जाहिर सी बात है, जो मन के अनिवार्य करता है उसकी बुलंदियों का अंदाजा और उसकी रिफतों का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। हजरत गुलजार बनारसी साहब जितनी तारीफ की जाए इनकी कम है। इनकी शायरी में नुदरत भी थी, इनकलाबियत भी थी और हमासी मिजाज भी था। इनकलाबी शायरी भी फरमा रहे थे। इन्होंने बाद में फितर का जिक्र भी किया और जनाब मासूमा के दुश्मनों पर लानत भी की। मुझे अंजुम सेतरी साहब के चार मिसरे याद आ रहे हैं, मरहूम शायर अंजुम सेतरी साहब, क्योंकि सरकारी शमीम मिल्लत भी तशरीफ ला चुके हैं। बादा बा मुलाहिदा होशियार महफिल के विकार को मलबूज खातिर रखते हुए आप अपनी बेदारी का इसी तरह से सबूत देते रहें और इसी इनकलाबी अंदाज से आप हजरात सुनते रहें और इंशाअल्लाह महफिल जिस शान के साथ ये सफ़र तय कर रही है इख्तितामी मंजिलों तक इसी तरह से इसका सफ़र जारी रहेगा। बाबे फिदक का जिक्र किया, ना मासूम आलमियान को लकड़ियों की ज़रूरत थी, ना बाग की ज़रूरत थी, ना उस ज़मीन के टुकड़े की ज़रूरत थी, लेकिन एक इस्तियारा और एक अलामत बना दिया मासूमा ने कि कयामत तक जहाँ जहाँ भी जुल्म का जिक्र होगा तो बाबे फिदक वाले अलग नज़र आएंगे और हकदार अलग नज़र आएंगे, हर बात बयान करने वाले अलग नजर आएंगे। अंजुम सेतरी साहब ने कहा था कि हर बात कहता आया हूँ कहता रहूंगा मैं, हर बात कहता आया हूँ कहता रहूंगा मैं, हर बात कहना ही मेरा अंजुम उसूल है। हर बात कहता आया हूँ कहता रहूंगा मैं, हर बात कहना ही मेरा अंजुम उसूल है। दुनिया को ये बताना था हकदार कौन है, वरना फिदक बुदूल के कदमों की धूल है। दुनिया को ये बताना था हकदार कौन है, दुनिया को ये बताना था हकदार कौन है, वरना फिदक बुदूल के कदमों की धूल है। देखिए हजरत, मैं आपके सामने अर्ज करूं, शख्स मरता है, शख्सियत नहीं मरती। बदरुल हसन साहब कुल्ला मरहूम सिर्फ एक शख्स नहीं थे बल्कि एक शख्सियत थे, एक अलामत थे, एक इस्तियारा थे, एक रोशनी थे, एक मनारे नूर थे, एक मरकज इल्म थे। वो तो इस दुनिया से चले गए लेकिन तहरीक आज भी बाकी है और उनकी तहरीक को, उनकी उस इल्मी और अदबी मिजाज को और उस तहरीक को और उस गंगा जमनी तहजीब को उनके साहबजादगान, उनके खानवादे के अफराद उसी अंदाज से, उसी शान से और उसी पुरवकार तरीके से आगे बढ़ाए हुए हैं। आइए मैं इंतहाई अदब व एहतराम के साथ हरफ इल्तिमास लेके जाना चाहता हूँ उनके छोटे साहबजादे जनाब नजमी फैजाबादी साहब की खिदमत में, जो तशरीफ लाएं और बारगाह मासूमा में मंजूर नजराने अकीदत पेश फरमाएं। आप हजरात एक बावले बुलंद सलावत से उनका इस्तकबाल फरमाएं। वो तो
ये रोना धोना बंद करो, ऐ सितम करो। सफेद झूठ जहां
खुलता नहीं ये राह, अगर न होती तो खुलता नहीं ये राह। क्या चीज आसमान की ऊंचाइयों में है, क्या चीज आसमान की ऊंचाइयों में है, देती है उस सवाल का पत्र हे अली जवाब, देती है उस सवाल का पत्र हे अली जवाब। क्या शैतानी पकाई हुई रोटियों में है, क्या शैतानी पकाई हुई रोटियों में है, क्या शैतानी पकाई हुई रोटियों में है। मीज़ान तेरा कैसे कहा जाए हल अता, मीज़ान तेरा कैसे कहा, सलवात भेजें हरिद्वार वक्ते, मीज़ान तेरा कैसे कहा जाए हल्लता, नाने जमी तो एक नहीं दर्जनों से हुई बलंद, बदूर से हुई बलंद, सदाए बदूर के घर से हुई बलंद। जनाब नजमी फैजाबादी साहब।